हाय फ्रेंड्स, मैं ललिता सैनी नवी रसोई में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपके लिए एक स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ, जो इनको खाते ही बीमारियाँ छूमंतर हो जाएंगे। इतनी टेस्टी और इतनी लाजवाब भी है, और कई प्रकार की बीमारियों से छुटकारा भी मिला देगी आपको। चलो बनाना शुरू करते हैं। मैं ली हूँ मेथी दाना 5 बहुत ज़्यादा होता है मेथी दाना के अंदर। मेथी दाना कई प्रकार की बीमारियों से छुटकारा मिला देगी आपको, और मेथी दाने का पानी भी बहुत सही रहता है। हार्ट को कंट्रोल रखता है, बीपी कंट्रोल रखता है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल रखता है। अब मैं एक बाउल के अंदर डाल दी हूँ और इसे भिगो देती हूँ 6-7 घंटे के लिए। इसके पानी को भी आप फेंकिए मत, इसको पी लीजिए, आपका मोटापा कम हो जाएगा। और मेथी दाना डेली सुबह सुबह 2 चम्मच लेवे गर्म पानी के साथ में, तो आपका मोटापा कम हो सकता है और कई प्रकार की बीमारियों से भी छुटकारा मिल सकता है आपको। तो मेथी दाने को मैं भिगो दी हूँ, प्लेट लगा के फिर रख दूंगी। तो देखिए 6 घंटे के बाद में मेथी दाना फूल के तैयार हो गई, और मैं इसका पानी भी बाहर निकाल दी हूँ और धो के तैयार कर ली हूँ अच्छी तरह से। और देखिए आसानी से कट रही है मेथी दाना। मेथी दाने की सब्जी बनाने के लिए मैं कुछ टमाटर, प्याज, लहसुन, मिर्च, धनिया, अब मैं गैस पे बगोनी चढ़ा के और इसके अंदर पानी डाल देती हूँ मेथी दाना को बॉईल करने के लिए। बगोनी चढ़ा दी हूँ, अब मैं इसके अंदर पानी डाल देती हूँ। मेथी दाना को बॉईल करना है, हल्की सी बॉईल करनी है। वैसे तो मैं भिगो दी थी 6-7 घंटे के लिए, और हल्की सी बॉईल और कर लूँगी। तो मेथी दाने को डाल दी हूँ और इसे घुमा के और बॉयल होने देती हूँ। मेथी दाने की सब्जी हफ्ते में 1-2 बार बना के खाइए, आपके कई प्रकार की बीमारियों से आप छुटकारा पा सकते हो। मेथी दाने के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं। आप मेथी दाने की सब्जी सर्दी सर्दी बना के खाओगे तो आपके हाथ पैरों में जोड़ों में दर्द भी नहीं होएगा, और कई प्रकार की दवाइयों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। मेथी दाना उबल के तैयार हो गई, अब मैं एक प्लेट के अंदर निकाल लेती हूँ। अब मैं मेथी दाने को निकाल ली हूँ और गैस पे कढ़ाई चढ़ा के और सरसों के तेल में बनाएंगे। मेथी दाना की सब्जी सरसों के तेल में बहुत टेस्टी और लाजवाब बन के तैयार होती है। अब तेल गर्म हो गया, मैं इसके अंदर डाल देती हूँ राई। राई से बहुत टेस्टी बनती है मेथी दाना। और 1/2 चम्मच जीरा डाल रही हूँ। जीरा और राई दोनों को पकने देती हूँ अच्छी तरह से। जीरा राई पक गए, अब मैं इसके अंदर चुटकी भर हींग डाल दी हूँ। अब मैं इसके अंदर लहसुन को मोटी साइज में कूट के और फिर भी डाल दी हूँ लहसुन डाल दी हूँ। अभी मैं अच्छी तरह से पका लूँगी। लहसुन और जीरा मसाला सब पक गए, अब मैं प्याज डाल देती हूँ इसके अंदर। प्याज को भी पका लूंगी। इजी तरीके से आप मेथी दाना की सब्जी बना सकते हो। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ बारीक कटी हुई हरी मिर्च,
इनको भी अच्छी तरह से पका लूंगी। मेथी दाने की सब्जी या मेथी दाना डायबिटीज को कंट्रोल करता है। जिसके डायबिटीज होती है, शुगर होती है, उनको ये कंट्रोल करती है मेथी दाना। अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले ऐड कर देती हूँ। मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, और मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, और मैं इसके अंदर डाल देती हूँ 1 चम्मच धनिया पाउडर, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। आपको इजी तरीके से मेथी दाने की सब्जी बनाना बताऊंगी, ना तो आपको कड़वी लगेगी ना आपको पता भी नहीं चल पाएगा ये मेथी दाने की सब्जी है। के अंदर डाल देती हूँ नमक। नमक अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हो आप। अब इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। मेथी दाने को मैं डाल दूंगी, मसाला पक गया अच्छी तरह से। अब मैं मेथी दाना ऐड कर दी हूँ इसके अंदर। अब इसे अच्छी तरह से मिला दूंगी। जो मेथी दाने की सब्जी का नाम सुनते ही दूर भागते हैं, वो एक बार खाएंगे तो अपनी उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे, उसको पता भी नहीं चल पाएगा ये मेथी दाने की सब्जी है। बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी और इतनी टेस्टी बनेगी, और इतनी खट्टी मीठी मेथी दाने की सब्जी बनके तैयार होएगी। डायबिटीज को कंट्रोल करेगी मेथी दाने की सब्जी। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दी हूँ, और अब ऊपर से टमाटर डाल देती हूँ, क्योंकि मैं टमाटर पहले मसाले में डालना भूल गई थी, तो मैंने सोचा भाई बाद में डाल देते हैं। टमाटर कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी डाल सकते हो बाद में भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टमाटर को तरह से उबाल ले लूंगी और सब्जी को अच्छी तरह से पका लूंगी। थोड़ा सा पानी बढ़ा दी थी इसलिए कि मैं पतली वाली सब्जी बनाऊंगी, टाइट वाली सब्जी नहीं बना रही मैं, सूखी सब्जी नहीं बना रही हूँ मैं। इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला डाल देती हूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। मेथी दाने की सब्जी में पतली वाली सब्जी बना रही हूँ मैं, सूखी वाली सब्जी नहीं बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसके अंदर पानी डाला। अच्छी तरह से इसे और उबाल ले लेंगे इसके अंदर। वैसे तो मेथी दाना उबाली हुई थी, अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ खट्टी मीठी चटपटी बनाने के लिए मेथी दाने को 1/2 नींबू का रस। अच्छी तरह से नींबू का रस मिला दूंगी। खट्टी मीठी चटपटी चटकारेदार मेथी दाना बनेगी, आपको पता भी नहीं चल पाएगा मेथी दाने की सब्जी है, और आपके शरीर के लिए बहुत लाभदायक है मेथी दाने की सब्जी। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ हल्का फुल्का कड़वापन कम करने के लिए गुड़। आप इसके अंदर चीनी भी डाल सकते हो, मैं इसके अंदर गुड़ ही डाली हूँ, क्योंकि सरसों के तेल में बना रहे हैं और मेथी दाना को बना रहे हैं, तो गुड़ ही डालूँगी। फिर ये भी देसी डालूँगी, देसी तेल और देसी मेथी और देसी गुड़, सभी चीज़ें देसी अंदाज में बना रही हूँ मेथी दाने की सब्जी। अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी गुड़ को। इतनी टेस्टी, इतनी लाजवाब मेथी दाने की सब्जी बनके तैयार हो गई। धनिया की पत्तियाँ ऐड कर देती हूँ मेथी दाने की सब्जी के अंदर, बहुत टेस्टी और बहुत अच्छी लगती है मेथी दाने की सब्जी के अंदर धनिया। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। लीजिए मेथी दाने की सब्जी बन के तैयार हो गई। नवे रसोई के अंदर आपको मेथी दाने की सब्जी की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, क्योंकि मेरी अगली नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ में।